हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद केजा चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पर आपको आज बताने वाली हूँ यूनिट 6 हिंदी उपन्यास के बारे में। मैंने यूनिट 6 हिंदी उपन्यास के लिए एक फ्री बैच शुरू किया है, जिसमें मैं आपको हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए सभी उपन्यास पढ़ाऊंगी। ये बैच बिल्कुल फ्री होने वाला है और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद टीचर पर ही होगा। सबसे पहले जब भी हम कोई नई यूनिट शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 6 हिंदी उपन्यास का हम सिलेबस देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगा हुआ है, वह देवरानी जेठानी की कहानी गोरी दत्त का यह उपन्यास है। परीक्षा गुरु लाला निवास दास, गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी भाग 1, शेखर एक जीवनी दो भागों में है, लेकिन जब आपके पाठ्यक्रम में लिख दिया है कि भाग 1, इसका मतलब है कि आपके पाठ्यक्रम को में जो भाग 1 है वो ही लगा हुआ है और आपको केवल भाग 1 पढ़ना है, भाग 2 नहीं पढ़ना है। ठीक है, अज्ञेय जी का ये उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, झूठा सच यशपाल। झूठा सच के लिए मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम इसके दोनों भाग पढ़ने हैं क्या? जी बिल्कुल, इसके दोनों भाग पढ़ने हैं। देखो, शेखर एक जीवनी में लिखा है कि भाग 1, इसका मतलब है कि भाग 1 ही हमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है भाग 1 या 2, इसका मतलब है कि आपको पूरा झूठा सच उपन्यास पढ़ना है, तो इसके आपको दोनों भाग जो है पढ़ने हैं। फिर अगला उपन्यास है मानस का हंस, अमृतलाल नागर द्वारा रचित ये उपन्यास है। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती, आपका बंटी हन्नू भंडारी, धरती धन्य अपना जगदीप चंद्र। यानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में टोटल जो है 13 उपन्यास लगे हुए हैं जो हमको पढ़ने हैं और जो हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। आगे मैंने पूरा शेड्यूल रखा हुआ है, किस दिन हम कौन सा उपन्यास पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हम पढ़ेंगे उपन्यास में, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये सबसे पहली बात हुई सिलेबस की, जो हमारी यूनिट 6 का पाठ्यक्रम है। सभी उपन्यास के पेज रखे हुए हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो देख ले। ठीक है, अब हम सबसे पहले जब भी हम कोई यूनिट पढ़ते हैं, आपको पता है मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का। जो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी है, हमें उनका प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। काल क्रम से सभी जो है उपन्यास के प्रकाशन वर्ष हमें पता होने चाहिए, इनका काल क्रम हमें याद होना चाहिए। जो हमारे पाठ्यक्रम में 13 के 13 उपन्यास लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनका एक बार समय देखेंगे। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जा रहा है, कंटिन्यू जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है इनका क्रम वाला। इनमें से कोई भी 3-4 उपन्यास दे देंगे और उनका क्रम पूछ लेंगे। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी 1870, परीक्षा गुरु 1882, गोदान 1936, शेखर एक जीवनी भाग 1 का समय कहीं पर 40 मिलता है, कहीं पर 41, तो आपको दोनों ही याद रखने होंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, मैला आंचल 1954, झूठा सच के दो भाग है 1958 में प्रकाशित हुआ था और 1960 में, राग दरबारी 1968, आपका बंटी 1971, मानस का हंस 1972, धरती धन्य अपना 1972, तमस 1973, जिंदगी नामा 1979, यानी कि 79। तो ये तो हुआ हिंदी उपन्यास का कालक्रम। अब जो यूनिट 6 में राइटर लगे हुए हैं, यानी इन सबके उपन्यासकार, इनके रचयिता जो है, उनका कालक्रम भी हमें याद होना चाहिए, तो उनका भी कालक्रम भी हम देखेंगे जन्म के अनुसार। गोरीदत्त 1836 में इनका जन्म हुआ था, लाला श्रीनिवास दास 1850, प्रेमचंद 1880, हमें याद रहता भी है प्रेमचंद का जन्म वर्ष, यक्षपाल 1903, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, अज्ञेय 1911, भीष्म साहनी 1915, अमृतलाल नागर 1916, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, कृष्णा सोबती 1925, श्रीलाल शुक्ल 1925, जगदीश चंद्र 1930, मन्नू भंडारी 1931। यानी जो यहाँ पर हुआ हिंदी उपन्यासकार का कालक्रम, किन हिंदी उपन्यासकार का, जो यूनिट 6 में लगे हुए हैं यूजीसी नेट की यूनिट 6 हिंदी उपन्यास में। तो यहाँ पर हमने पीछे उपन्यास का कालक्रम देख लिया और आगे देख लिया उपन्यासकार का। दोनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनके नोट बना लीजिएगा जरूर, अपने जो नोट्स है उनमें इनको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये हुई बिल्कुल बेसिक जानकारी। जब हम कोई यूनिट पढ़ते हैं तो हमें इतनी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो, अब मैं आपको बता देती हूँ
मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये यूनिट पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन ये यूनिट मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमें यूनिट 6 के नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर पिछले 2 साल के PYQ रखे हैं, 2023 के जो है हमारा 17 जून का एग्जाम हुआ था वो, और जो दिसंबर 2022 का एग्जाम हमारा मार्च में हुआ था वे वाले पेपर मैंने रखे हुए हैं। यूनिट 6 हिंदी उपन्यास से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सब मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, उनको हम देखेंगे। आज हम ये देखने वाले हैं कि उपन्यास से कौन कौन से कितने पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि ये पहला ही क्वेश्चन है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। तो यहाँ पर ये पंक्तियां आपको बताना है, गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है। देखो गोदान उपन्यास आपको बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए, एक पंक्ति यहाँ से पिछले 4 साल से कंटिन्यू पूछी जा रही है, दोनों शिफ्ट में पूछी जा रही है। ठीक है, ये अभी फर्स्ट शिफ्ट का हमारा पेपर है। ठीक है, तो क्या एक तो आपके एग्जाम में उपन्यास से पंक्ति पूछी जा रही है, ऊपर से गोदान उपन्यास से तो 100% पूछी जा रही है, पिछले 4 साल से कंटिन्यू पंक्ति पूछी जा रही है, तो आंसर तो हमारा हो जाएगा धनिया। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक तो प्रमुख पंक्ति जो है हमारे एग्जाम में पूछी जा रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कथन वाला क्वेश्चन है, झूठा सच तमस जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कई कई पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। यानी हमें इनकी विषय वस्तु पता होनी चाहिए, इनकी पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए उपन्यास की। इस क्वेश्चन से हमें ये सीख मिल गई है। कथन द्वारा आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों सही है। लेकिन यहाँ पर क्या हमें विषय वस्तु भी पता होनी चाहिए उपन्यास की क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर फिर से पंक्ति पूछी गई है, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है, तो ये मोहिनी का संवाद है। यानी फिर से पंक्ति पूछी गई है, देखिएगा आपके पेपर में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर पात्र से क्वेश्चन आया, मिलान वाला क्वेश्चन आया, पैटर्न क्या था मिलान वाला, आया क्या पात्रों से क्वेश्चन। इधर जो है स्त्री पात्र दिया हुआ है उपन्यास के, और इधर उनके पति या प्रेमी का नाम दिया हुआ है, आपको मैच करना था। ठीक है, जैसे शीलो रतन, तारा असद, कनक पुरी, उषा राजेंद्र। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे ये कौन कौन से उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो पात्रों से क्वेश्चन आ रहे हैं, पंक्ति से क्वेश्चन आ रहे हैं, विषय वस्तु से आ रहे हैं, पात्रों से क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक है, तो यहाँ पर देखो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो विविध प्रकरण में जो है विभाजित है, अलग अलग प्रकरण में। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पाठ्यक्रम में जितने उपन्यास लगे हुए हैं कि वे किस में विभाजित है, प्रकरण में, खंड में। पिछली बार पेपर में एक क्वेश्चन आया था परीक्षा गुरु विभाजित है प्रकरण में, खंड में, सर्ग में, इस तरह का, तो आंसर हो गया था प्रकरण। फिर अगले एग्जाम में एक स्टेप आ गया है, उसमें पूछ लिया उन प्रकरण के नाम ही पूछ लिए कि इनमें से कौन कौन से नाम है परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण के। ठीक है, तो मतलब एक स्टेप आगे गए। तो आपको करना क्या है, मतलब मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन आप खुद से भी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हो। हर उपन्यास के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये खंडों में विभाजित है। मान लीजिए जैसे झूठा सच्चा 2 भाग में विभाजित है, तो दोनों भागों के आपको नाम पता होने चाहिए। शेखर एक जीवनी है, उसके भी 2 भाग है, प्रथम भाग फिर 4 खंड में विभाजित है, उनके भी नाम है, तो वे सब नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, किसी में कोई भागों में है, जैसे कोई 36 भाग में है, तो वे सब हमें पता होना चाहिए, और यदि उनके नाम दिए हुए हैं तो नाम भी हमें बिल्कुल पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन हमें यही बता रहा है। आंसर हो जाएगा केवल CTE, प्रमाणिकता अदालत प्रेत भय। ये भी जब आपको डिटेल में परीक्षा गुरु उपन्यास पढ़ाऊंगी, शुरुआत हम परीक्षा गुरु उपन्यास से ही करेंगे, तो आपको सारे प्रकरण के नाम एक जगह मिल जाएंगे। चलते हैं आगे, आपने इस क्वेश्चन से देखा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने देखा पंक्ति से पूछे गए, विषय वस्तु, पात्र, फिर परकर मतलब विभाजित, जिसमें विभाजित उपन्यास वहां से पूछा गया है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, फिर उपन्यासों में गीत और कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है, यहाँ पर सब उपन्यासों का मिला जुला क्वेश्चन पूछा गया। झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त है,
गलत पॉइंट है, क्योंकि जिंदगीनामा में है ये। जिंदगीनामा में हिंदी कवियों तुलसी और सूर के पदों का प्रयोग है, ये भी गलत है। मैलाचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल सही। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है, बिल्कुल सही है। तमस में सर्वे भवन्तु सुखिनः का उपयोग किया गया है, तो सी डी ई ये बिल्कुल सही है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, जो ये कोड वाले क्वेश्चन आते हैं ए बी सी डी ई, देखो जैसे पहला पॉइंट है ये आपके पेपर में पहले ही पूछा जा चुका है, मतलब 17 जून वाले एग्जाम में तो पूछा गया था, लेकिन जो मार्च में एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था, अभी आप आगे देखोगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं होता कि हमें पांचों के पांचों पॉइंट पता हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो एक या दो पॉइंट ऐसा मिलता है जो बिल्कुल इजी होता है, या तो पहले पीवाईक्यू में पूछा होता है या बिल्कुल इजी होता है, और दो तीन पॉइंट मिलते हैं डीपली हमें, ठीक है। तो इनके लिए क्या करना होता है, इन क्वेश्चन के लिए हमें डीपली पढ़ना होता है, मतलब उपन्यास को अच्छे से पढ़ना होता है जब हम जवाब दे पाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है कि हमें उपन्यास अच्छे से डीपली पढ़ लेना चाहिए। आगे चलते हैं फिर, मैलाचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया, ये भी वही बता पाएगा जिसने उपन्यास पढ़ा है, आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। आगे चलते हैं, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं, पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है, ए भैरवी, बी लीजा, सी बेला, डी सरस्वती, ई बंती। ये पैटर्न इस बार ही आया है, बिल्कुल न्यू पैटर्न है, 2023 में जो 17 जून को एग्जाम हुआ था ये बिल्कुल न्यू पैटर्न है, मतलब अब तक जो है इस पैटर्न पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो कालक्रम बहुत पूछ लिया था, लेकिन पात्रों के अनुसार कभी नहीं पूछा था। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है वो मैं बता देती हूँ, कैसे हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने थे। भैरवी हमें ये पता होना चाहिए, भैरवी किस उपन्यास का पात्र है, लीजा, बेला, सरस्वती, बंती, इन पांचों का सबसे पहले हम उपन्यास लिखेंगे, कौन से उपन्यास से ये है, फिर उनका प्रकाशन वर्ष लिखेंगे और उस प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें क्रम में लगाना है। देख लेते हैं आगे मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, सरस्वती शेखर एक जीवनी उपन्यास की पात्र है, भैरवी बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र है, बंती झूठा सच की, बेला राग दरबारी की, लीजा तमस की, फिर इनका प्रकाशन वर्ष लिखो और इन प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें क्रम से लगाना था। लेकिन अब तक क्या होता था, उपन्यास के प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ये बाद वाली पंक्ति तो सभी एग्जाम में जो है क्रम से पूछी जा रही थी नेट के हर एग्जाम में, लेकिन इस बार क्या करा, पात्रों को भी जोड़ दिया हमें, मतलब और डिटेल में पूछ लिया और डीपली चले गए। हमें ये पता होना चाहिए पहले कि ये पांचों किस उपन्यास के पात्र है, अलग अलग उपन्यास के पात्र है, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो निम्नांकित पात्र है अलग अलग उपन्यास के हैं, उनके अनुसार फिर हमें उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना था, ठीक है। ये पॉइंट आपका मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना था, यानी ये भी पात्रों से संबंधित ही था। यदि हमें पात्र याद है कौन किस उपन्यास का पात्र है, तो हम आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये अभी तक बात चल रही थी हमारी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो विषय वस्तु पूछी गई, प्रमुख पंक्ति पूछी गई है, पात्र पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन बिल्कुल डीपली पूछे गए थे, ठीक है, ये सब पूछा गया है। आगे चलते हैं, अब सेकेंड शिफ्ट में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गोदान उपन्यास से हर शिफ्ट में पिछले 4 साल से कंटिन्यू एक पंक्ति पूछी जा रही है, तो जब फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई तो सेकंड शिफ्ट में भी पूछी गई, आंसर हमारा हो जाएगा झुनिया। आज हम पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे, आज हम ये देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूनिट 6 से। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर एक और पंक्ति पूछी गई राग दरबारी उपन्यास से, लेकिन ये पंक्ति जो है ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया, ड्रॉप इसलिए किया गया सही आंसर नहीं दिया हो तो सही आंसर होगा गया दिन, ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है। आगे चलते हैं, मतलब दो क्वेश्चन पूछे गए पंक्ति के सेकंड शिफ्ट में, एक ये जुनिया एक गया दिन वाला राग दरबारी उपन्यास। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है, परीक्षा गुरु, ठीक है, ब्रज किशोर यानी पात्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। फिर यहाँ पर जो है कथन वाला क्वेश्चन, अभी कथन और कारण वाला, मैलाचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है, आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है, ठीक है, तो
जो है आर गलत हो जाएगा। आर गलत क्यों हो जाएगा? बिल्कुल है, हम जानते भी हैं मैलाचल को पैलांचलिक उपन्यास भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कहाँ से सोल्व होंगे? जब आप आलोचनात्मक समीक्षा पढ़ लोगे तो आपके इस तरह के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। आगे चलते हैं, फिर ये पात्र वाला क्वेश्चन था, उपन्यास और पात्र। ठीक है, इन्होंने अपोजिट यहाँ पर उपन्यास लिख दिया, यहाँ पर पात्र, बल्कि ये पात्रों के नाम है इधर साइड और ये उपन्यास के नाम है, मैच करना था। यानी फिर से पात्र वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट में पात्र से पूछे गए, आंसर हो जाएगा वन। आगे चलते हैं, फिर शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्न में से किस आलोचक का है? तो आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। इस तरह के क्वेश्चन जो है हम आलोचनात्मक समीक्षा पढ़ते हैं वहां से ज्यादा चांस होते हैं हमें मिल जाते हैं, लेकिन कई बार जो है नहीं भी मिलते जब ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, फिर सेकेंड शिफ्ट में फिर से पंक्ति पूछी गई है, तुम जड़ पाषाण पिंडो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है। ठीक है, ये बाण भट्ट के आत्मकथा उपन्यास के किस पात्र की है? तो ये न्यूनिया की पात्र है, सॉरी न्यूनिया पात्र है, उसकी ये पंक्ति है बाण भट्ट के आत्मकथा उपन्यास में। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर वही जैसे पीछे फर्स्ट शिफ्ट में हमने देखा था, एक क्वेश्चन आया था सारे उपन्यास को मिला जुला कर, तो सेकंड शिफ्ट में भी आया है। तो हम इसमें बताना था कौन से पॉइंट सही होगी, आंसर हमारा हो जाएगा ए सी डी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, एक दो पॉइंट इसमें इजी दिए रहते हैं और दो पॉइंट जो है हार्ड दिए रहते हैं। इसके लिए हमें नाटक को अच्छे से समझना होता है, परखना होता है, जब हम जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर बात हुई सेकंड शिफ्ट की, तो आपने देख लिया प्रमुख पंक्ति, पात्र, विषय वस्तु और एक दो क्वेश्चन डीपली, जब हम जो उपन्यास बिल्कुल गहराई से पढ़ते हैं जब भी जवाब दे पाएंगे, ये हमें सीख मिली अभी तक के पेपर से जो 17 जून को हुआ था। फिर एक बार और पीछे जाते हैं, 5 मार्च 2023 को जो एग्जाम होता है, दिसंबर 2022 वाला एग्जाम 5 मार्च को हुआ था, यानी 2023 में ही, तो 2023 में ही एग्जाम हुआ था, तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम है। हाँ, लेटेस्ट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उसके बाद एक और एग्जाम हो गया, लेकिन पुराना भी बिल्कुल नहीं है, पिछले से पिछला एग्जाम ही तो है। तो हमें यहाँ पर भी देखना होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट के, मैलाचल की स्त्री पात्र आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पात्रों से क्वेश्चन पूछे गए वैसे पूछे गए थे, स्त्री पात्र कौन है, बाल पात्र कौन है। तो मैलाचल के हमें देखने थे, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोर्ट में देते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा 2 PTE। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन पात्रों से आया। आगे चलते हैं, जो मैं आपको बात बता रही थी, इस बार जो हुआ दिसंबर वाला, सॉरी जून वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें प्रकरण पूछ लिए थे, परीक्षा गुरु के नाम, परीक्षा गुरु उपन्यास के जो है प्रकरण के नाम पूछ लिए थे। जो उससे पहले एग्जाम हुआ उसमें शेखर एक जीवनी भाग वन के खंडों के नाम पूछ लिए थे, मैच करना था। तो हमें क्या, हमें ये सब चीजें देखनी होगी, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड। शेखर एक जीवनी भागवन में 4 ही खंड और चारों का नाम दिया हुआ है, उनसे हमें मैच करना था, आंसर हमारा हो जाएगा 2। PY क्यों हम अलग से सोल्व करेंगे, आज जैसा कि मैंने आपको बताया हम बस ये देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे थे। चलते हैं फिर तमस उपन्यास के पात्र, फिर से पात्रों से क्वेश्चन आया, आंसर हमारा हो जाएगा 3। यानी अभी तक 3 क्वेश्चन हमने देखे, फर्स्ट शिफ्ट के 5 मार्च वाले एग्जाम के 2 पात्रों से आए और 1 आया खंडों के नाम से। फिर झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है, ये क्वेश्चन कौन सोल्व कर पाएगा, जो डीपली जिसने ये उपन्यास पढ़ाया वो ही सोल्व कर पाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 2 कानपुर। फिर निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया जो उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उनका जो है कालक्रम पूछ लिया जाता है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद में लगाइए। हाँ, वो अलग बात है, ये वाला क्वेश्चन NTA द्वारा ड्रॉप किया गया था क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई भी आंसर सही नहीं था, सही आंसर था BEACD, जो कि इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो ये जो है ड्रॉप किया गया था, लेकिन हमारे लिए है कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर ये पंक्ति पूछी गई, गोदान उपन्यास से पंक्ति पूछी गई। देखो इस बार पात्र से ना पूछ कर कि किस पात्र की पंक्ति है यही पूछ लिया, किस उपन्यास की पंक्ति है, ठीक है, लेकिन पूछी जरूर गई है गोदान उपन्यास से पंक्ति। आगे चलते हैं, फिर ये भूमिका से क्वेश्चन आया था, बाण भट्ट की आत्मकथा की भूमिका से बिल्कुल दूसरी लाइन है ये, वहां से ये क्वेश्चन आया था, आंसर हमारा हो जाएगा 4, यानी भूमिका पढ़नी भी जरूरी है।
फिर जो मैं आपको बता रही थी पीछे, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, साल लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया? आंसर हो जाएगा जिंदगीनामा। और जो अभी आज जाम हुआ था जून में, यही वाला क्वेश्चन एक पॉइंट के रूप में रख दिया था जो हम पीछे देखकर आए हैं। तो PYQ सोल्व करने बिल्कुल बहुत जरूरी भी होते हैं। आगे चलते हैं, फिर ये भी भूमिका से क्वेश्चन है, मानस के अंश की भूमिका से क्वेश्चन आया है। उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया? तो ये सब आपको भूमिका में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि मानस के हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने किन किन पुस्तकों का सहयोग लिया था, ये सब आपको मिलेगा भूमिका में, मानस के अंश की भूमिका में। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, यानी भूमिका पढ़नी भी जरूरी है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपको भूमिका में जो की तो लाइन दी हुई है, मैंने आपको पिछली बार सारी भूमिका पढ़ाई भी थी और आपको ये क्वेश्चन PYQ रखे भी थे और बताया भी था, देखो यहाँ से ये लाइन जो की तो उठाई है। ठीक है, ये आपका बंटी उपन्यास से क्वेश्चन है और दोनों लाइन बिल्कुल भूमिका से जो की तो उठाई गई है। आगे चलते, ये भी फिर भूमिका से था, यानी जिससे पहले वाला एग्जाम हो उसमें भूमिका, मतलब एक ही शिफ्ट में यहाँ पर हमारा फर्स्ट शिफ्ट समाप्त होता है। ये क्वेश्चन भी भूमिका से आया था, ये क्वेश्चन भी भूमिका से था और ये वाला, यानी तीन क्वेश्चन जो है भूमिका से आए थे फर्स्ट शिफ्ट वाली हमारे एग्जाम में। सेकंड शिफ्ट पर चले गए हम, सेकंड शिफ्ट में पहला ही क्वेश्चन जो राग दरबारी उपन्यास है, राग दरबारी उपन्यास के उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था, यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ भी है कि ये जो पंक्ति है ये भूमिका से है, बस हमें बताना था कौन से उपन्यास की भूमिका से है, तो यह राग दरबारी उपन्यास। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन आपका एक और तरीका है सोल्व करने का, होता क्या है जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास है उनसे ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन। तो जब आप यहाँ पर चार के चार ऑप्शन देख रहे हो, ना तो महाभोज उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में, ना आखिरी कलाम, ना काशी का अस्सी, राग दरबारी हमारे उपन्यास जो पाठ्यक्रम है उसमें उपन्यास है, तो आपको क्या इस तरह के क्वेश्चन में 90% चांस रहता है जो हमारे पाठ्यक्रम में रचना है वही हमारा आंसर होगा। अब आप कहोगे महाभोज भी लगा हुआ है, नहीं महाभोज उपन्यास नहीं है हमारे पाठ्यक्रम में, महाभोज नाटक लगा हुआ है, तो इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लीजिएगा यहीं पर ही। तो ये चार में से राग दरबारी है तो आंसर हमारा राग दरबारी हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन पूरे एग्जाम में ऐसे हमें मिल ही जाते हैं जहां पर यदि हमारे पाठ्यक्रम याद है, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम याद था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है भूमिका से पूछा गया है, राग दरबारी की भूमिका से। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, ये छंद किस उपन्यास में आया है? वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने लगी है, तेरी बर्बादियों के तजकरे हैं आसमानों में, तो हमारा आंसर हो जाएगा दो तमस। तो इस तरह का क्वेश्चन कब सोल्व होगा? जब हमने उपन्यास पढ़ रखा होगा। फिर यहाँ पर ये पंक्ति है, ये हमें बतानी थी किसकी है, ये बाणभट्ट की आत्मकथा से पंक्ति है, बतानी थी कौन से पात्र की है, तो ये महामाया भैरवी पात्र की पंक्ति है। फिर मानस का अंश उपन्यास के यहाँ पर फिर से पात्र पूछा गया है, यहाँ पर झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र पूछ ली गई है। फिर आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है ये क्वेश्चन आया था, यानी कंटिन्यू तीन क्वेश्चन पात्रों से आए, मानस के अंश उपन्यास के पात्र, झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र और आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र, यानी पात्र तो हमें बिल्कुल भी भूलने ही नहीं है। हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन उपन्यास वाली यूनिट से देखे तो पात्रों से पूछे गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है कथा स्थल, गोदान की कथा स्थल क्या है? बेलारी। देखो ये बिल्कुल घिसा पीटा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि शिवपालगंज और मेरीगंज ये दोनों इतने हजार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, नेट के एग्जाम में नहीं, हर किसी एग्जाम में, मतलब ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं बचा हिंदी साहित्य का जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से उपन्यास में कौन सी कथा स्थल है, क्या कथा स्थल है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और फिर से जो है सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हैं उनको क्रम से लगाने का। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा क्या है, एक क्वेश्चन तो हमारा इसलिए सही हो जाएगा यदि जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं उनके हमें प्रकाशन वर्ष पता है। मुझे आई होप तुम आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होगी। फिर यहाँ पर एक गोदान उपन्यास से अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर जो है हमने दो बार के एग्जाम देखे, चार क्वेश्चन पेपर देखे, क्योंकि एक एग्जाम में जो है हमारे
दो शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो दो क्वेश्चन पेपर हो गए जून वाले एग्जाम का देखा और दिसंबर 2022 वाला देखा, चार क्वेश्चन पेपर देखे। तो उसके बाद मुझे लगता है कि आपको इन चीजों को बिल्कुल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ये 6 पॉइंट, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है। सबसे पहला पॉइंट है यूनिट 6 के सभी उपन्यासकार के सभी उपन्यास याद करें। बिल्कुल हमें सभी उपन्यासकार के सभी उपन्यास याद होने ही चाहिए। सभी उपन्यास के सभी पात्रों की एक सूची बना ले, यानी हर उपन्यास के हर पात्र की एक सूची बना ले कि इस उपन्यास में ये पात्र है, इनकी ये भूमिका है। गोदान उपन्यास अवश्य पढ़े क्योंकि यहाँ से हर बार एक पंक्ति आ रही है। सभी उपन्यास के समरी पढ़े, देखो पूरा उपन्यास अब टाइम भी नहीं है क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है और अक्टूबर चल रहा है, तो बिल्कुल ही पूरा उपन्यास पढ़ने का टाइम, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि उस उपन्यास में है क्या, उसकी जो विषय वस्तु है एक जगह नोट कर ले। फिर क्वेश्चन जो हमारा पॉइंट 5 है, सभी उपन्यास की प्रमुख पंक्ति के एक नोट्स बना ले। और उसके बाद है रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, इन बुक से एक बार सिलेबस में लगे सभी उपन्यास और उपन्यासकार के विषय में जरूर पढ़ ले। ये चीजों आपको फोकस करना है अभी के लिए जो दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो जून जो 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे एक एक उपन्यास को अभी से पूरा पढ़ना शुरू कर दे। तो ये 6 के 6 पॉइंट वैसे तो मैंने आपको करवाए हुए हैं, मतलब एक एक पॉइंट कर 6 क्लास में मैंने आपको यूनिट 6 करवाई हुई है, लेकिन ये करवाई थी मैंने पिछले बैच में यानी जून वाला एग्जाम हुआ था उसके लिए। इस बार दिसंबर वाले एग्जाम के लिए मैं आपको करवाने वाली हूँ 1 बाय 1 एक एक उपन्यास। क्या शेड्यूल रहेगा वो आपको मैं बता देती हूँ और क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले ये बैच हमारा शुरू हो रहा है 20 अक्टूबर से, बिल्कुल फ्री है हमारा बैच रहेगा और यूट्यूब पर ही होगा। 20 अक्टूबर को सबसे पहले हम पढ़ेंगे परीक्षा गुरु उपन्यास, और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं भूमिका। भूमिका मैं आपको हर उपन्यास की पढ़ाऊंगी, महत्वपूर्ण पंक्ति भी हर उपन्यास की आपको बताऊंगी, विषय वस्तु तो बताऊंगी ही, और पात्र भी आपको सभी उपन्यास के आपको पात्र भी करवाऊंगी, और आलोचनात्मक समीक्षा ये भी मैं आपको करवाऊंगी रामचंद्र शुक्ल, तिवारी और बच्चन सिंह की बुक से। ये आपको एक ही क्लास में पूरा मैटर मिलेगा, यानी एक दिन में हम एक उपन्यास अपना खत्म करेंगे शॉर्ट नोट्स के रूप में, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको करवाऊंगी PYQ को देखते हुए, ये चीजें इन पर मेरा फोकस रहेगा हर उपन्यास में। और जैसे परीक्षा गुरु उपन्यास है प्रकरण में विभाजित है, तो उन सभी प्रकरण के नाम, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष या 3-4 पॉइंट जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण मिलते हैं वो सब मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो 20 तारीख से ये हमारा बैच शुरू हो रहा है, सबसे पहले हम परीक्षा गुरु उपन्यास पढ़ेंगे। 21 अक्टूबर को गोदान उपन्यास, 23 अक्टूबर को शेखर एक जीवनी, 24 अक्टूबर को बाणभट्ट की आत्मकथा, 22 अक्टूबर का गैप है क्योंकि 22 अक्टूबर को रविवार है, रविवार को आपको आपकी क्लास नहीं चलेगी ये वाले, और ये मैंने इसलिए भी गैप रखा है रविवार का, मान लीजिए किसी दिन कोई क्लास नहीं हो पाती है तो हम उसको रविवार को कवर कर ले, ठीक है। 25 अक्टूबर को मैला आचार, 26 अक्टूबर को झूठा सच, 27 अक्टूबर को मानस का हंस, 28 अक्टूबर को तमस, 30 अक्टूबर को राग दरबारी, 1 नवंबर को जिंदगी नामा, 2 नवंबर को आपका बंटी, 3 नवंबर धरती धन्य अपना, 4 नवंबर देवरानी जेठानी की कहानी, यानी 4 नवंबर को हमारी यूनिट 6 हिंदी उपन्यास कंप्लीट हो जाएगी, और ये 4 नवंबर को ही हो जाएगी क्योंकि आज जब हमारा दिसंबर में है तो हम जल्दी अपनी यूनिट पूरी करेंगे। तो इसमें हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, यानी इसमें हम चीजें पढ़ेंगे, MCQ सोल्व नहीं करेंगे। अब आती है बात MCQ की, तो देखो मैं आपको 4-5 उपन्यास जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो एक MCQ वाली क्लास करवा दूंगी, इसी तरह मतलब 3-3, 4-4 उपन्यास के बाद हम एक MCQ वाली क्लास कर लेंगे। ये क्लास होगी हमारी शाम को 4 बजे जो हम उपन्यास पढ़ने वाले हैं, और आपको पता है डेली मेरी यूट्यूब पर लाइव क्लास हो रही है शाम को 7 बजे जिसमें हम MCQ सोल्व कर रहे हैं, तो हम उन्हीं क्लास में किसी एक दिन जो है 4-4 उपन्यास कर MCQ मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन इन क्लास में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये क्लास रिकॉर्डिंग क्लास होगी, मतलब ये लाइव क्लास नहीं होगी, मैं रिकॉर्ड कर क्लास अपलोड कर दूंगी, शाम को 4 बजे आपको डेली ये क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। कोई डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर पूछ लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ हमारी 8 अक्टूबर महीने के लिए मैंने कुछ मैराथन क्लास प्लान की थी जिनमें से 2 हमारी हो गई चूंकि 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर वाली। 22 अक्टूबर को यूनिट 6 हिंदी उपन्यास, यानी जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं 22 अक्टूबर को है मैराथन क्लास। तो आपने अभी तक जो भी पढ़ा है यूनिट 6 के बारे में अच्छे से रिवाइज कर आइएगा,
22 अक्टूबर को शाम को 7 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, जिसमें ये आपकी मैराथन क्लास है, यूनिट 6 हिंदी उपन्यास। तो आप सब लोग जरूर आइएगा, बिल्कुल फ्री ये क्लास है। मैं आपको बता देती हूँ, मेरी अभी तक जितनी भी क्लास हुई है वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी एक भी रुपया पैसा नहीं है। और यूनिट 6 से पहले मैं आपको 2 यूनिट बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा चुकी हूँ, बिल्कुल वे भी फ्री क्लास थी, यूनिट 9 हिंदी निबंध, यूनिट 8 हिंदी नाटक। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल हिंदी विद रिचा पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाओगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे ही हमारी हिंदी उपन्यास वाली यूनिट शुरू हो जाएगी, इसकी भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, ताकि आपको सभी क्लास एक जगह मिल जाए, इधर उधर भटकना ना पड़े। तो एक क्लास देख लीजिएगा, यदि आप हिंदी निबंध वाली क्लास देख के इस पर ओपन करोगे तो देखो आपको सारे जो है यहाँ पर डिटेल में क्लास मिल जाएगी। हर निबंध की जो है मैंने यहाँ पर क्लास ली हुई है। निबंध वाली क्लास में हम करते क्या थे, पहले एमसीक्यू सॉल्व करते थे और उसके बाद निबंध पढ़ते थे। ठीक है, 11 निबंध है हमारे पाठ्यक्रम, और 11 के 11 निबंध मैंने आपको पढ़ाए हुए। नाटक वाली यूनिट की बात करूं, नाटक थोड़े बड़े होते हैं, तो इसमें हम क्या करते थे, एक दिन नाटक पढ़ते थे और अगले दिन एमसीक्यू सॉल्व करते थे। ठीक है, तो यूनिट 8 और यूनिट 9 मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर ये दोनों जो है यूनिट अपनी कंप्लीट कर सकते हो। तो अब हमारा जो टारगेट है वो है यूनिट 6 का, जो हमारी डेली शाम को 4 बजे क्लास होगी। शेड्यूल आपको मैंने बता दिया, कोई डाउट है आपका तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर पूछ लीजिएगा, कोई भी आपका डाउट हो। ठीक है, और आपको लगता है ये यूजफुल है, जो आने वाली क्लास है ये यूजफुल होने वाली है, तो इन क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, बिल्कुल ये फ्री पैच है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अपना यूट्यूब खोलना है, हिंदी विद रिचा चैनल पर जाना है, यूट्यूब चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, और शाम को 4 बजे डेली आपको क्लास मिल जाया करेगी। ठीक है, और हमारी शाम को 7 बजे डेली लाइव क्लास हो रही है, जिसमें हम करते हैं एमसीक्यू सॉल्व। ठीक है, कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने आदिकाल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज जो हमारी क्लास होगी शाम को 7 बजे उसमें हम भक्ति काल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। टारगेट किया हमने हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली बुक। तो आप सब लोग जो है क्लास में आ जाइएगा, क्लास होगी शाम को 7 बजे, लाइव क्लास है, भक्ति काल टॉपिक रहेगा, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इस क्लास में भी जरूर आ जाइएगा। और आपको ये शेड्यूल कैसा लगा मेरा जो उपन्यास पर मैंने बताया बनाया, यदि आपका कोई डाउट है आपको, या कोई सुझाव है या कोई सुधार है, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर। कोई आपका डाउट है तो आप मुझे लाइव क्लास में आकर कोई भी डाउट है आपका आप पूछ लीजिएगा। क्लास के बाद में 5 मिनट हम देते हैं, जिसमें आपको कोई भी डाउट होता है उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास में जरूर आइएगा शाम को 7 बजे, और हिंदी उपन्यास वाली क्लास हमारी डेली होगी, जो मैंने आपको शेड्यूल दिया है उसके अकॉर्डिंग शाम को 4 बजे डेली आपको क्लास मिल जाया करेगी। आपको आज की क्लास कैसी लगी, यूजफुल लगी हो तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।